अब तक आपने देखा? कहीं घबरा तो नहीं गया आप चाचा के चमचों को देखकर? ओए पुत्र, तू जानता नहीं है कितना खतरनाक आदमी है वो। तुसी फिक्र ना करो पापा जी, आप ही का पुत्र हूँ मैं भी, दो चार को निपटा दूंगा यूं ही। अगर इसको घर के बाहर काम करने भी हैं तो दो चार आदमी रख ले, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं। 24 घंटे ये तेरे पास रहेगा, तेरे होने वाले बच्चे और तेरी देखभाल करेगा और कुछ नहीं, बस। जी पापा जी। कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। पापा जी आप अकेले नहीं है, आपका बेटा आपके साथ। हमारा पिंड हमेशा खुशहाल रहे, आपके इस सपने को मैं आपके साथ मिलकर पूरा करूंगा। और ले ले पुत्र, मैं तेरा सौरा चचा हूं, ले। और हाँ, रब करे तेरा होने वाला बच्चा लड़का ही पैदा हो। इनसे जुड़ी हुई हर एक बात मेरे मतलब की है। ओए पुत्र, शमशेरे के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन वो तो आपके भाई हैं ना, तो फिर उनका इरादा नेक क्यों नहीं है? और अब आगे। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल शनो। तू आ पुत्र, आ मेरे को ला जा। सत श्री अकाल प्राजी। सत श्री अकाल। और शनो ठीक है ना तू? हाँ प्राजी, वो क्या है ना प्राजी, वो परसों में अमृता नू देवी माँ का शक्तिदा का पन्ना भूल गई सी, वही बांधने आई हूँ। उससे ना अमृता नू बुरी नजर नहीं लगेगी। शन्नो, और तू सच बोले ना, ससुराल में सब ठीक तो है? वो प्राजी क्या है ना, मेरी सस ने कुछ और पैसे मंगाए। नई दुकान खोलने के लिए। देख सन्नो, तेरे प्रादे खेतों विच कनक उगती है, नोट नहीं। पर प्राजी मैं की करा, मेरी सस ने कहा अगर पैसे नहीं लाई ना तो घर आने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे कह दिया उसने? चौधरी गल करो दे नाल। बीबी ये क्या बात हुई? हेलो, चौधरी बोल रहा हूँ, शन्नो का भाई। जी चौधरी साहब, सत श्री अकाल। शन्नो ठीक ठाक पहुंच गई ना? जी पहुंच गई, और आपका संदेशा भी मिल गया मुझे कि पैसे नहीं मिले तो वो ससुराल नहीं आ सकती। चौधरी साहब, आप नहीं चाहते कि थोड़ी बहन खुश रहे? कितनी बार ससुराल में रहने की खुशी खरीद कर दूं मैं? कभी जमीन खरीदने के लिए, कभी कार खरीदने के लिए, कभी कारोबार जमाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। कब भरेगा आप लोगों का पेट? चौधरी साहब, लड़की वाले हो, जरा जबान संभाल के बात करो। हाँ हाँ, हम लड़की वाले हैं और हमारी लड़की हम पर बोझ नहीं है। अगर बगैर पैसे लिए उसे आप ससुराल में नहीं रख सकते तो मेरी बहन मेरे घर में मेरे साथ रहेगी। आज से उसका यही घर है। अरे रखो ना, हमें कौन सी पड़ी है। बुआ जी क्या बात है, कुगी बता रहे थे कि आप खाना नहीं खा रहे हो, मैंने भूख नहीं लगती। ऐसा क्या हो गया कि तुझे भूख ही नहीं है? बात तो सबके सामने हुई थी बेबे, अगर पैसे ना देने थे तो ना देते ना, इतना जलील तो ना करते उनको। चुप कर शन्नो, आप भी रो रही है और अपनी बेटी को भी रुला रही है। चुप कर पुत्र, मैं अभी जाके चौधरी को डांटती हूँ। ना जी,
अब कुछ ना कहना उन्हें, मैंने तो अब इस घर में ही नहीं रहना जी। नहीं बुआ जी, ऐसा मत कही, आप इस घर में नहीं रहेंगी तो और कहाँ रहेंगी? क्यों, रब ने इतना बड़ा संसार बनाया है, मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं होगी क्या? चुप कर, पागलों की तरह कुछ भी बोले जा रही है। और वैसे भी बुआ जी, ये घर जितना हमारा है ना, उतना ही आपका भी है। चल उठ, हाथ मुंह धो ले और रोटी खा ले। मैंने नहीं खानी रोटी। जो रोटी नहीं खाएगा उसे शेर खा जाएगा। मम्मा रोटी खा लो, नहीं तो ये शेर आपको खा जाएगा। अगर बुआ खाना नहीं खाएगी तो शेर बुआ को खा जाएगा। जीत राजी ना, जीत राजी ना। ये तू जल्दी आना बुआ जी। आ जाई हूं। हाँ राजी, तो मान ही नहीं रहे, अब क्या करूं? अब वसीयत तो तुसी बदल नहीं सकते, अपने भतीजे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन कमल जीत ही तो मेरे रास्ते का कांटा है, जब तक वो है सुरजीत को कुछ नहीं मिल सकता। थोड़ा धीरज रखो, तुसी जो ट्रेलर दिखाया है उसका असर तो पहले देख लो प्राजी। अरे उसी का तो असर नहीं हुआ, मिलकर ही तो आया था मैं बुड्ढे से। दिल छोटा ना करो प्राजी, उनका फोन आएगा और जरूर आएगा, बस तुसी थोड़ा सा सबर रखो, जल्दबाजी ना करो। रख ले तुम बात। कल मैं डीएम साहब से मिला था जी, और उन्होंने बताया कि एक ऐसी स्कीम आ रही है सरकार की तरफ से जिसमें कि महिलाओं को और लड़कियों को उनके शिक्षा के बारे में जागरूक करना। सश्रीकाल चौधरी जी। सश्रीकाल जी, सश्रीकाल जी। आप हमारे पिंड के तो नहीं लगते जी? नहीं चौधरी जी, असी पड़ोस वाले पिंड के हैं। आनंदपुर के जी? हुक्म करें चौधरी जी। चौधरी शमशेर सिंह हम लोगों की जमीन जबरदस्ती से डरातम का आके बिकवाना चाहता है। तो आप लोग अपने सरपंच से बात करो जी। हमारे गांव के सरपंच की हालत तो शमशेर सिंह को देखकर खराब हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे सरपंच का भाई नहीं है, आपका भाई है। वो तो जी ठीक है, वो मेरा भाई है, मगर है सौतेला। मैं उससे कुछ भी कहूंगा ना तो मेरी बात मानेगा नहीं। हम बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि आप शमशेर को रोकेंगे। आप तो हमेशा अपने बाबूजी का नाम रोशन करते हो, पर आपका भाई उनके नाम पर मिट्टी डाल रहा है, उनके नाम को अपने हरकतों से बदनाम कर रहा है। बड़ी उम्मीद थी कि आप उसे समझा पाते तो हमारे किसानों की जमीन बच जाती, और इस तरह वो अपने पिता का नाम बदनाम भी नहीं कर पाता। देखो जी, मैंने तो सोच लिया था कि मैं उससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग मेरे बाबूजी का नाम बीच में ले आए तो मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं। वैसे मैं जानता हूं कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, देखते हैं आप लोगों की किस्मत। जी शुक्रिया, धन्यवाद। सत श्री अकाल। पापा जी, आपने इन लोगों को बोल तो दिया है कि आप उनको समझाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेंगे? जसवीरे, कोशिश करने में क्या जाता है, फोन लगा जी। जी बेल जा रही है। हेलो। हाँ शमशेरे को फोन दो जी। पापा जी का फोन है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा भाई। मेरे तो भाग्य खुल गए प्राजी, हुक्म करो। हुक्म कुछ नहीं, तुम यहाँ पंचायत में आ सकते हो। क्यों, मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी आ सकते हो। बस प्राजी घड़ी मिला लो, 5 मिनट में बंदा आपके सामने हाजिर है।
ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। प्राजी, हुकुम। आनंदपुर से कुछ लोग आए थे। उनकी गल्ला छड्डो प्राजी, तुसी अपनी दसो। मैंने तुम्हें उन्हीं की बात करने के लिए बुलाया है शमशेर। प्राजी, जब उस पिंड दे सरपंच ने मेरे नाल कोई गल नहीं कीती, तुसी क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस गांव का सरपंच तुमसे डरता है। मैंने इस बारे में कोई गल नहीं करनी है प्राजी। पर मुझे करनी है। उस गांव के छोटे गरीब किसानों की जमीन तुम जबरदस्ती नहीं बिकवा सकते, ये उनकी जिंदगी से खेलने के बराबर है। राजी, मैं उन लोगों को इतने पैसे दिला रहा हूँ जितने उन लोगों ने कभी अपने सपने बीच भी नहीं देखा होगा। तू चाहे कितना भी पैसा दिलवा दे, जिन खेतों के आज वो मालिक है ना, कल उन्हीं खेतों पर वो दिहाड़ी के मजदूर होंगे। राजी, आप जानते नहीं है, किसान आधी जिंदगी बदल जाएगी। तू उस बात की चिंता मत कर, बस उनकी जमीन उनके पास रहने दे। आपको उन लोगों की वकालत करने की क्या जरूरत पड़ी है? हाँ शमशेरे, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबूजी की इज्जत बचाने में लगा हूं जो तू डुबाने में लगा हुआ है। बाबूजी वो तो डेसी गए प्राजी, मेरे लिए तो वो हमेशा धोखेबाज थे। धोखेबाज, मैंने धोखा दिता है उस नामी जमींदार ने। शमशेर, बकवास ना कर। जिनको तू धोखेबाज कह रहा है ना, उनके नाम से आज भी गांव लोग पूजा करते हैं। लोग तो सांप को भी पूजते हैं, देवता कहते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन उसकी असलियत तो वही जानता है जिसको उस नाग देवता ने डसा होता है। मैंने भी डसा है उस रविंदर पाल सिंह चौधरी ने। दोस्त, तो इस बात का है कि ये थप्पड़ बाबूजी ने तुझे क्यों नहीं मारा? थप्पड़ ही तो मारा था, जमीन जायदाद से बेदखल करके। और अफसोस तो मैनु भी है कि आज तक मैं चुप क्यों रहा। बाबूजी ने कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं की। वो जानते थे कि तू एक ऐसा दीमक है जो पूरे गांव को खोखला कर देगा, इसीलिए तुझे उन्होंने अपनी जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दिया। रही बात तेरी धमकी की, तो तू जितना चीखना चाहे, चिल्लाना चाहे, चिल्ला, तुझे दो अंगुल जमीन तक नहीं मिलेगी। ही बात बाबूजी की परंपरा की, तो वो मैं और मेरी बात मेरा बेटा जीत चलाएगा। जीतते अच्छा, तो जनाब को नौटंकी सूझी है? रुको, बताती हूँ। क्या हुआ कबल जी? ओए नौटंकी, बस भी करो, चलो उठो। हाँ, तो जनाब को नहीं उठना, कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ। मरने की एक्टिंग कर रहे हो। उठो उठो नौटंकी, बात कबल जी, उठो ना कबल जी, कबल जी उठो ना कबल जी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये मरने वरने की एक्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद है।
तुम जानते हो ना कि मुझे इस वक्त परेशान नहीं होना, लेकिन नहीं, फिर भी मुझे परेशान करते रहते। कपल, अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुम्हारी शिकायत जाके पापा जी से कर दूंगी। कपल जी, दावा, हमें जो कुछ भी करना है तुरंत करना है। हाँ प्राजी, आओ शन्नू बहना, आओ। आ गई मेरे जले पे नमक छिड़कने, और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मेरी सगी बहन होकर सौतेले भाई के घर आती जाती है। मैं क्या अपनी मर्जी से आती जाती हूँ उनके यहाँ? क्या आपको पता नहीं है? हाँ जानता हूँ मैं, तेरे कसम का। क्या हुआ उसका? मेरे ससुराल वालों ने कुछ और पैसे मंगवाए थे, पर प्राजी ने देने से मना कर दिया, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। देखना, ये तेरा सौतेला भाई तुझे भी एक दिन घर से निकाल देगा। अरे किसी का सगा हो सकता है क्या ये? पर वीर जी, मैं तो अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, पर बिना पैसों के वो लोग मुझे घर में नहीं लेंगे। अरे पगली, अगर मेरे पास कुछ होता ना, अभी फौरन तुझे निकाल कर दे देता। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरे चहेते प्राजी के पास है। तो इसका मतलब वीर जी आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे? मदद? अरे पगली, मैं भी तेरे ही तरह कंगाल हूं। हमारे पास जो कुछ भी था ना, उस पर कुंडली मारकर बैठा है वो चौधरी, हमारा सौतेला भाई। क्या बात है चौधरी? कुछ नहीं बेबे, बस यूं ही। बेबे, मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो मैं नहीं चाहता था। चौधरी, मैं जानती हूं तू कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, फिर भी बता किस बात की फिक्र है? बेबे, पंचायत में मैंने शमशेरे को थप्पड़ मार दिया। हाय रब्बा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था बेबे, पर शमशेर ने हमारे बहूजी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहनी शुरू कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और वो चुप रहा? उस वक्त तो वो चुप रहा बेबे, मुझे मालूम है कि वो इस बात का बदला जरूर लेगा। चौधरी, मेरी एक बात मान ले, जैसे तूने जीते के लिए दो गन वालों का इंतजाम किया है ना, अपने लिए भी कर ले।
कहां गया था तू? अकेला गया था? जवाब दो, कुछ पूछ रही है बेबे? अकेला कहां गया था? तू जिसे पूछ रहे हैं। तुझे अपनी परवाह तो नहीं है, पर दूसरों के बारे तो सोच। आसपास क्या हो रहा है खबर भी है तुझे? कोई अपने पापा जी की फिक्र कर, अपनी बीवी की फिक्र कर, अपने होने वाले बच्चे की फिक्र कर। बेबे मैं तो बस वो नुक्कड़ तक ही गया था। ये चॉकलेट लेने गया था, यही लेने गया था ना? अमृता ने मंगवाई है ना? हमको, हमारी फिक्र मत कर, जा जाके उसकी गोद में बैठ जा। वो कहेगी ना तुझसे जाते कुएं में कूद जा, तो कुएं में कूद जाना।